आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। 17वीं लोकसभा का पहला सत्र इस महीने की 17 तारीख से शुरू होगा। कल शाम मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया है कि 26 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र के दौरान लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव इस महीने की 19 तारीख को कराया जाएगा। राज्यसभा की बैठकें 20 जून से होंगी। वहीं इसी दिन राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 4 जुलाई को संसद के पटल पर रखा जाएगा, जबकि केंद्रीय बजट 5 जुलाई को पेश किया जाना है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज कहा कि अगले 5 साल के दौरान किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। नई दिल्ली में कृषि मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे किसान समृद्ध तो देश समृद्ध की अवधारणा पर काम करेंगे और फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक कृषि तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग करने पर जोर दिया जाएगा। कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और कैलाश चौधरी ने भी आज अपना कार्यभार संभाल लिया। वहीं केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कल अपने विभाग का दायित्व संभालते हुए कहा कि नए भारत के निर्माण में हमारा मंत्रालय सक्रिय भूमिका निभाएगा और हम सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आज गृह मंत्रालय का और राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्री का कार्यभार संभाल लिया। वहीं मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ ही पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का कार्यभार संभाला। मंत्री पीयूष गोयल ने रेल मंत्री का और इसी मंत्रालय में बाबुल सुप्रियो ने राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला। इसके अलावा कई मंत्रियों ने भी अपने अपने विभागों का दायित्व संभाला। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के अध्यक्ष सोनिया गांधी को आज कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बताया कि पार्टी के नवनिर्वाचित सदस्यों की संसद भवन में हुई बैठक में श्रीमती गांधी को सर्वसम्मति से कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। 16वीं लोकसभा में भी श्रीमती गांधी संसदीय दल की नेता थीं। प्रदेश में बाल श्रमिकों के लिए पंचायतों का आयोजन किया जाएगा। श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने भोपाल में प्रदेश के बाल अधिकारों के व्यावसायिक सिद्धांतों पर आधारित कार्यशाला में कहा कि इसकी शुरुआत पीथमपुर से की जाएगी। उन्होंने कहा कि बाल श्रम पूरे विश्व में एक बड़ी समस्या है और बाल अधिकार संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। श्री सिसोदिया ने कहा कि बाल श्रम का मूल कारण गरीबी और अशिक्षा है। इस समस्या के निदान के लिए उन क्षेत्रों को चिन्हित करना होगा जहाँ से बाल श्रमिक बड़ी संख्या में आते हैं। ऐसे क्षेत्रों में स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से जागरूकता पैदा कर इन बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। आईसीसी विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मुकाबला कार्डिफ में न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच दोपहर 3 बजे से और दूसरा मैच ब्रिस्टल में शाम 6 बजे से अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। नॉटिंघम में कल वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत का इस प्रतियोगिता में पहला मैच दक्षिण अफ्रीका के साथ 5 जून को साउथहम्पटन में होगा। प्रदेश में नौतपा ने लोगों को बेहाल कर दिया है। आसमान से आ रही तपती किरणों के चलते पिछले 24 घंटों के दौरान भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में लू का प्रभाव रहा। प्रदेश के 15 शहरों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के पार हो गया। इधर पिछले 24 घंटों में शहडोल, सागर, भोपाल, जबलपुर और उज्जैन संभागों में कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान जबलपुर और शहडोल संभाग के अलावा नीमच, मंदसौर, रतलाम, रीवा, सतना, सीधी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश या गरज चमक के साथ धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। एडमिरल करमवीर सिंह ने कल नौसेना के 24वें प्रमुख का दायित्व संभाल लिया। उन्होंने पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा का स्थान लिया। विश्व पर्यावरण दिवस पर आगामी 3 जून को भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। शिवपुरी जिले में फूल और फलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए कलेक्टर ने कल संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। होशंगाबाद जिले में आज सुबह जावली रेत खदान पर प्रशासन ने छापामार कार्रवाई करते हुए 50 से अधिक डंपर और जेसीबी और पोकलेन मशीनें जब्त की हैं।
सोमवती अमावस्या के मौके पर 3 जून को खंडवा के अति प्राचीन शनि मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा काले तिल और तेल से शनि देव का अभिषेक किया जाएगा। दाऊदी वोरा समाज द्वारा आगामी 4 जून को ईद का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। बुरहानपुर में ईद की विशेष नमाज नजमी मस्जिद में होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।